बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो ये है कि सब्जेक्ट को हमने कैसे डिवीजन करना है और प्रेडिकेट को हमने कैसे डिवीजन करना है। इससे पहले बेटा हमने सीखा था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। अब देखिए बेटा, जो सब्जेक्ट है उसको मेनली हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? फोर पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, किसी भी सब्जेक्ट में फर्स्ट पार्ट देखो, इन्होंने बताया है डिटरमाइनर। क्या फर्स्ट पार्ट बताया हमारे पास? डिटरमाइनर। जहाँ पर भी वर्ड आपको गिवन हो, द, देखो जैसे इस एग्जांपल में है द या फिर ए, तो दोनों आप किस में कंसिडर करेंगे? डिटरमाइनर में। कैसे? जैसे मैंने कहा द बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लासरूम, तो द वर्ड आया ना, तो ये किसका पार्ट हो गया? सब्जेक्ट का। क्योंकि सब्जेक्ट का पार्ट कैसे हुआ, हम जब अगर हम बात करें हमारे सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में काउंट होगा द बॉयज, और जिसमें से जो द वर्ड है द, जो कि एक सब्जेक्ट का पार्ट है, वो आपका क्या बन जाएगा? डिटरमाइनर, राइट। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है आपका, इधर देखिए बेटा इसमें टेबल में सेकंड, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया द बॉयज, जो बॉयज वर्ड है वो किस में काउंट होगा? नाउन में। और नाउन में भी बेटा किस में? कॉमन नाउन में, राइट। अगर हम इसके बजाय, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ बेटा, जैसे मैंने कहा द रोज या फिर रोज इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल इन द गार्डन, ठीक है। जो रोज वर्ड है, रोज वर्ड इज अ नाउन विच इज काउंटेड इन सब्जेक्ट, राइट। लेकिन जो रोज वर्ड है अपने आप में क्या है? वो एक नाउन है, और नाउन भी कौन सा है? वो प्रॉपर नाउन है। इट मीन्स बेटा कि जो सब्जेक्ट है उसमें आपका कॉमन नाउन भी आ सकता है और आपका प्रॉपर नाउन भी आ सकता है। तो अभी तक हमने सब्जेक्ट में दो चीज़ें देखी, एक तो हमने डिटरमाइनर देखा जो ए और द कोई भी हो सकता है, और एक हमने देखा नाउन। अब तीसरी जो चीज़ है आपके सब्जेक्ट में है एडजेक्टिव। थर्ड थिंग इज दैट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? क्वालिटी। क्वालिटी कोई भी अच्छी या बुरी कुछ भी हो सकती है। जैसे मैंने रेड रोज बताया, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था रोज, अब मैं कह रही हूँ द रेड रोज। अब रोज की क्वालिटी क्या होगी? रेड, ठीक है, तो वो क्या हो गया? एडजेक्टिव, राइट। ये देखो इस टेबल में आपके पास मिला है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है द ब्लैक कोबरा, तो ब्लैक जो वर्ड है वो क्या हो गया? एडजेक्टिव। नाउन क्या हो गया? कोबरा। और बाकी का पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट। अब एक चीज़ और काउंट होगी आपके सब्जेक्ट में ही, सब्जेक्ट में ही वो काउंट हो गया कि एडजेक्टिव फ्रेज। ये देखो, ये इस टेबल में शोन नहीं है आपके पास, इस टेबल में गिवन है ये एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है कि जब हम एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करें, एडजेक्टिव के बारे में आगे कुछ बताएं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे अब यहाँ देखो इस एग्जांपल में अ ब्यूटीफुल गार्डन, पहले हम इतना समझते हैं, अ ब्यूटीफुल गार्डन, अ वर्ड आया तो वो क्या बन गया? डिटरमाइनर। गार्डन वर्ड आया तो क्या बन गया? नाउन। ब्यूटीफुल क्या है? एक क्वालिटी है, तो वो क्या बन गया? एडजेक्टिव। अब देखो क्या है आगे, विद कूल शेडी ट्रीज, मतलब इसको आगे इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया गया? जो गार्डन है उसकी क्वालिटी बताई गई, आगे एक्सप्लेन किया गया है उसके अंदर कूल शेडी ट्रीज हैं, तो वो क्या बन जाएंगे? एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। सराउंडेड द विलेज, अब ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है बाकी का उस, वो किस में चला जाएगा? हमारे पास प्रेडिकेट में, राइट। इसके बाद देखो, जैसे एक एग्जांपल और बता रही हूँ मैं, द टॉल बॉय, तो द क्या हो गया? डिटरमाइनर। टॉल क्या हो गया? एडजेक्टिव। बॉय क्या हो गया? नाउन। अब उसकी क्वालिटी क्या है आगे देखो, उसकी क्वालिटी को एक्सप्लेन किया गया इन रेड शर्ट, तो ये क्या बन गया? एडजेक्टिव फ्रेज। इज माई ब्रदर, हम मैंने आपको कहा था चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से ही हम क्यों ना काउंट करें, तो वो भी किस में आ जाएगा? हमारे प्रेडिकेट में। तो यहाँ से क्या काउंट होगा हमारा? इज माई ब्रदर। यहाँ से ये सारा पोर्शन किस में चला जाएगा? प्रेडिकेट में। तो बेटा आज हमने सीखा कि जो सब्जेक्ट है, हाउ वी कैन डिवाइड सब्जेक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स,
इन दिस वीडियो वी हैव लर्नड, वी हैव डिवाइडेड सब्जेक्ट इन फोर पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज डिटरमाइनर, सेकेंड वी हैव लर्नड अबाउट नाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव एंड फोर्थ इज एडजेक्टिव फ्रेज. तो हमने ये सब्जेक्ट का डिवीजन कर लिया है. नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि प्रेडिकेट को हम कैसे डिवाइड करते हैं. तो आज बेटा आपने यहीं तक करना है, और जो बुक एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है एक बार आपने खुद से फिल करके देखनी है. उसके आंसर्स हम फिर हम टैली करेंगे साथ साथ. थैंक यू.